की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरुदेव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गीता मैया की जय। श्री राम जय। ओ माया में
Thank you.
कबीर सूता क्या करह, बैठा रह और जाग। जाग के क्या करना है, जाही के संग बिछड़ा, ताही के संग लाग। उस ईश्वर के तुम अंश हो, उससे बिछड़ के माया के वशीभूत होकर अनंत दुखों की प्राप्ति इस जीव के द्वारा होती है, लेकिन वास्तव में वो सुख रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो गुण लक्षण ईश्वर परमात्मा के हैं वही जीव के भी हैं। परमात्मा अविनाशी है, उसका नाश होने वाला नहीं, तो जीव का भी नाश होने वाला नहीं। वो भी अविनाशी है, नाशवान शरीर है, लेकिन उस चेतन सत्ता उसकी समाप्ति कभी होती नहीं। जिसका पहले अभाव नहीं उसका फिर भाव होने वाला नहीं, और जिसका भाव है उसका अभाव होने वाला नहीं। जो है वो कभी भी मिटने वाला नहीं, और जो नहीं है वो कभी भी होने वाला नहीं। तो संत महापुरुषों की अमृतमय वाणी सतुपदेश देती है, कबीर सूता क्या करें, बैठा रह और जाग। बैठो, जागो और उस ईश्वर की प्राप्ति करो जिसके लिए तुम्हें इस मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। दूसरा कोई कार्य करना नहीं है। राम जपण जो कम रे कर मन, कम दुनिया जा कम नाई। नहीं तो संसार के सभी कार्य एक तो कभी भी पूर्ण होने वाले नहीं, और उन कार्यों की पूर्णता से तुम्हारे जीवन में पूर्णता आने वाली नहीं। अगर कोई काम पूरे हो भी जाए तो ऐसे न समझें कि मेरे कार्य सिद्ध हो गए। कार्य सिद्ध होना तभी समझना चाहिए जब ही अपने आत्म स्वरूप का दीदार हो जाए। बाकी के काम सांसारिक कार्य वो तुम्हारे काम के नहीं, इसलिए उस नाम सुमरण का कार्य करके परम पद की प्राप्ति करो। और उसके लिए भी मार्ग गुरुदेव ने बताया है, जप का मार्ग। श्वास के साथ जो श्वास प्रश्वास, श्वास अंदर जाता है और श्वास बाहर आता है,
उसके साथ भी अनंत ब्रह्मांड की कोई शक्ति जुड़ी हुई है, साधारण बात नहीं। इस जड़ शरीर के अंदर अगर श्वास अंदर न जाए और बाहर जो प्रश्वास निकलता है फिर श्वास के रूप में फिर अंदर जाता है, अगर ये क्रिया न हो तो ये शरीर जड़ है। मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ठम क्षतौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तम अनुगच्छति। तो संत महापुरुषों ने बहुत खोज की और श्वासों के द्वारा ही उस प्रभु परमात्मा को उन्होंने प्राप्त किया। सोवत जागत नाम जपी जे गुर चरणे चित दीजे। गुरु महाराज जी ने अमरापुर वाणी की भजनावली में ये भी लिखा, बुध बोड़ा तुम कन दे दम बोले बोली के, जो गुरु का मंत्र है वही मंत्र तुम्हारे श्वासों में अनंत काल से ब्रह्मांड में भी चल रहा है और तुम्हारे श्वासों में भी चल रहा है। उसको ध्यान से सुनो, मन एकाग्र करके गुरु मंत्र को उन श्वासों के साथ जोड़ोगे तो धीरे धीरे उस रहस्य का ज्ञान होगा। उसके लिए साधना करनी है और वही साधना संत महापुरुषों ने की। गुरु महाराज जी अमृतमय वाणी में उपदेश देते हैं कि जाग के जप करो, जप करने से ही तुम्हें परम शांति की प्राप्ति होगी और उस श्वासों के साथ गुरु मंत्र को जोड़ के उसी के द्वारा मन की एकाग्रता भी होगी। दूसरा कोई भी साधन नहीं, इसलिए श्वासों से उस गुरु मंत्र का जाप करें। बुध कन दे तू बोड़ा, 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 बुध रक्त जो ही तरा बोरा तुम कल दे
क्षणम एकाग्र चित्तस्य कला नारहति भवेत्। एक क्षण भी अगर मन एकाग्र हो जाए तो उस क्षण के द्वारा संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। तो गुरु महाराज जी की अमृतमयी वाणी सत्योपदेश देती है कि व्यर्थ समय न गवाए, गाफिल सुजाग थी तू श्री राम नाम बोलज, प्रत्येक श्वास जप करें, जप के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होगा। उसके अंदर बहुत बड़े रहस्य छिपे हुए हैं और जिसने उस जप को किया उसे परम आनंद और परम सुख की प्राप्ति हुई। तो प्रार्थना करें। अति चंचल शीश झुकाए, जो प्रेमी हली
सदास कहते ऊंट सदास की पूरन करिए आस दुख सर्व ही दूर हो लगे नयम की त्रास काल जब बन रास संशय कोई ना रहे वो सनातन धर्म की जय सदगुरु देव भगवान की जय धर्म की हर धर्म का प्राणियों ने कल्याण हो प्रेम का हो हर हर गंगे